हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू डायनेमिक्स ट्यूटोरियल्स। और आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे आप अपनी पिक्चर से रिंकल लाइंस रिमूव कर सकते हैं यूजिंग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल एंड ऑल्सो ब्रश टूल। सो हम कैसे करने वाले हैं ये, फॉर दैट लेट्स गेट स्ट्रेट इन टू द वीडियो। सो ये है हमारी पिक्चर जिसमें से हमें करने हैं रिंकल रिमूव। सो इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक नई लेयर क्रिएट कर रही हूँ और चूज कर रही हूँ हीलिंग ब्रश टूल। सो हीलिंग ब्रश टूल कैसे काम करता है, इसके लिए आपको ऑप्शन या फिर ऑल्ट की दबानी है और उसके बाद चूज करना है नियरेस्ट पार्ट अपनी रिंकल लाइन के। हम यहाँ पर चूज करेंगे करंट एंड बिलो लेयर, ताकि आपका जो भी इफेक्ट या फिर जो भी हीलिंग ब्रश टूल कर रहा है वो एक नई लेयर पर हो जाए। और हीलिंग ब्रश टूल की हार्डनेस को कर देंगे 0। ध्यान रहे हमें अपने रिंकल लाइन के क्लोजेस्ट पार्ट को चूज करना है ऑल्ट और ऑप्शन की मदद से, ताकि आपकी पिक्चर नेचुरल लगे। सो आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टूल है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। सो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में हमें यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलते हैं, कंटेंट अवेयर, क्रिएट टेक्सचर एंड प्रॉक्सिमिटी मैच। सो क्रिएट टेक्सचर क्या करता है, ये सिंपली आपकी इमेज को रेक्टिफाई करके, आपकी इमेज पर काम करके अपने आप इमेज जैसा टेक्सचर बनाता है। और प्रॉक्सिमिटी मैच के साथ आप यहाँ पर स्पॉट के ऊपर वाली या फिर नीचे वाली लेयर को स्पॉट के ऊपर ओवरले कर सकते हैं। इस इफेक्ट के लिए सबसे अच्छा है कंटेंट अवेयर, तो हम यहाँ पर कंटेंट अवेयर चूज करेंगे। कंटेंट अवेयर क्या करता है कि ये आपकी स्पॉट को हील करता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, जो कि सराउंडिंग का कलर है ये उसको पिक करके आपके स्पॉट को हील करता है। सो एज द नेम सजेस्ट, ये टूल मोस्टली वर्क करता है स्पॉट्स पर, ना कि बड़े रिंकल्स पर। नेक्स्ट ट्रिक है ब्रश टूल। इसके लिए हम यहाँ पर न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और चूज करेंगे ब्रश टूल। इसके बाद मैं यहाँ पर एक ऐसा कलर चूज कर रही हूँ जो स्किन के क्लोजेस्ट मैच हो। आप ओपेसिटी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इमेज। उसके बाद हम यहाँ पर ब्रश टूल की हेल्प से इस कलर को पिक्चर के ऊपर पेंट कर देंगे। सो ये ट्रिक काम आती है छोटे छोटे रिंकल्स या फिर लाइन्स को रिमूव करने में। आई होप आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड ऑल्सो स्मैश द सब्सक्राइब बटन।